संगमनी वसुना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयंती। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। पृथिव्या इव मानदण्डः भारत के उत्तर में देवताओं की तरह पूजनीय या यूं कहे देवताओं से भरा हुआ हिमालय नाम का एक बड़ा भारी पर्वत है जो पूरब और पश्चिम के समुद्र तक फैला हुआ ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी को नापने का कोई मापदंड हो। नमस्कार, अभी आपने देखा कि कैसे अपनी रचना कुमार संभव के पहले सर्ग में महाकवि कालिदास हिमालय पर्वत का वर्णन कर रहे हैं। इस वर्णन से दो बातें समझ में आती हैं। पहला ये कि उन्हें हिमालय पर्वत की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान है और दूसरा उस क्षेत्र से उनका संबंध। अब ये संबंध कितना गहरा और कितना सच्चा है, आइए पहले यही समझते हैं। महाकवि कालिदास के काल और निवास के विषय में कई मत हैं, परंतु उनकी रचना संसार के अध्ययन के आधार पर उनके निवास की बात करें तो वे मगध उज्जैन के साथ गंगा एवं हिमालय क्षेत्र से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। ठीक इसी प्रकार उनकी रचना की भाषा और शैली के आधार पर उन्हें ईसा पूर्व प्रथम और द्वितीय शती से लेकर चौथी और पांचवी शताब्दी तक का माना जाता है। जन स्थान और समय के विषय में इस असमंजस का कारण यह है कि महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में स्वयं के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। इतिहास में ज्यादातर लेखक या कवि अपने समय के राजाओं की प्रशंसा के लिए बहुत कुछ लिखा करते थे जिससे उनके काल को निर्धारित करने में मदद मिलती थी, लेकिन महाकवि कालिदास इससे भी बचे। फिर भी उनका नाम एक राजा से जुड़ता है, आइए जानते हैं किससे जुड़ता है। अधिकांश विद्वान इस श्लोक को आधार बनाकर महाकवि कालिदास को महाराजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में प्रमुख और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं। यदि इसके लिए तथ्यों की बात करें तो पंडित नंदर्गी कर इन्हें प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व हुए अश्वघोष से भी जोड़ते हैं। उनके अनुसार अश्वघोष ने अपनी रचना बुद्ध चरित में कालिदास के काव्यों से कई श्लोक ज्यों के त्यों लिए हैं। साथ ही क्षेत्रेश चट्टोपाध्याय एवं राजबली पांडे का कहना है कि कालिदास ने अपने मालविकाग्नि मित्रम में जिस शुंगवंशी राजा का वर्णन किया है वो कालिदास के काल से लगभग 100 वर्ष पूर्व हुए हैं। ये बात भी कालिदास को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व और महाराजा विक्रमादित्य के समय में स्थापित करती है। वैसे तो इस संबंध में एक और बहुत स्पष्ट संकेत है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोवर्ष्यम, जिसमें राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी के प्रेम और विवाह की कथा है। वैसे तो इस नाटक के नायक चंद्रवर्षी राजा पुरुरवा हैं, लेकिन नाटक के शीर्षक में
उन्हें विक्रम कहकर पुकारना इस बात की ओर संकेत करता है कि महाकवि कालिदास और महाराज विक्रमादित्य आपस में जुड़े हैं। चलिए अब उज्जैनी और महाराज विक्रमादित्य से वापस हिमालय के ज्ञान यानी कि भूगोल के ज्ञान की ओर चलते हैं। यश्चावस्रो विभ्रमण्डनानां सम्पादयत्रीं शिखरे बिम्भर्ति बलाः कच्चिदविभक्तरागामकाल सन्ध्यामि विधातु मत्ताम् हिमालय की कुछ चोटियों पर गेरू धातुओं की अनेक रंग बिरंगी चट्टानें हैं। यही कारण है कि कुछ बादलों के टुकड़े वहां पहुंचकर उन चट्टानों की रंगीन छाया से संध्या के बादलों की तरह रंगीन हो जाते हैं। और बादलों के इन रंगों में वहां उपस्थित अप्सराएं भ्रमित होकर ऐसा विचार करती हैं कि संध्या हो गई है और वे सायंकालीन नृत्य आदि के लिए श्रृंगार आरंभ कर देती हैं। अद्भुत देवी, अद्भुत वर्णन। देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि आप भी हिमालय की यात्रा करके आ रही हैं। नहीं विप्र, यह तो कवि श्रेष्ठ की प्रस्तुति का चमत्कार है। इनके भौगोलिक ज्ञान की प्रस्तुति ही इतनी विलक्षण है कि प्रतीत होता है कि हम भी इनकी यात्रा में सम्मिलित हैं। हाँ, कुमार संभवम में इन्होंने जो हिमालय का चित्र प्रस्तुत किया है वो उत्तम कल्पना का उदाहरण है। नहीं विप्र, मैं कौन होता हूं हिमालय का चित्र खींचने वाला। हिमालय तो स्वयं में पूर्ण है। मैंने तो उसकी पूर्णता को पूर्णता से प्रस्तुत करने का प्रयास भर किया है। पुनः शब्दों का चमत्कार। परंतु देवी ने आपके ज्ञान की चर्चा की, यदि कल्पना के साथ ज्ञान भी है तो एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अवश्य विप्र, प्रश्न मुझे प्रिय है क्योंकि वे सुंदर होते हैं, एक बीज की भांति अपने आप में असीम संभावनाओं को समेटे हुए। तो स्वागत कीजिए मेरे प्रश्न का। हम जानते हैं कि हिमालय को पर्वतों का राजा कहा जाता है, परंतु इसका क्या कारण है? आपने तो इसका कोई कारण कहा होगा। अवश्य विप्रवर, ऋषिवर ने कहा है, पुत्र कुमार संभवम के प्रथम सर्ग का 17वां श्लोक उच्चारित करो। जो आज्ञा देवी। यज्ञान गयो नित्यं वेक्ष यस्य सारं धरित्र धरण क्षमं च। प्रजापतिः कल्पित यज्ञ भागम् शैलाधिपत्यं स्वयमन्वतिष्ठत। यहां मैंने ये कहा है कि यज्ञ में उपयोग होने वाली सामग्रियों को उत्पन्न करने के कारण और पृथ्वी को संभाले रखने की शक्ति होने के कारण ही ब्रह्मा जी ने हिमालय को उन पर्वतों का स्वामी बना दिया जिन्हें यज्ञ में भाग पाने का अधिकार है। हिमालय ही नहीं, ठीक ऐसे ही कैलाश और विंध्य पर्वतों का वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है। कहा जाता है कि जिन भी नगरों, पर्वतों, नदियों या वनों का वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है, वास्तव में अपनी शिक्षा और यात्रा के समय वे वहां रहे हैं। वैसे ये भी कहा जाता है कि उन्हें एक और विज्ञान है जिसकी बहुत गहरी समझ है और वो है खगोल विज्ञान, क्योंकि वे खगोल विज्ञान को मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान के साथ प्रस्तुत करते हैं।
किसी एक व्यक्ति का इन दोनों से संबंध कैसे संभव है? कहां खगोल विज्ञान और कहां मनोविज्ञान? सत्य तो यह है कि महाकवि का प्रत्येक ज्ञान मनोविज्ञान से जुड़ा है। उन्होंने अपने काव्य में जो उपमाएं दी है वो उनके यथार्थ ज्ञान से ही जुड़ी है। अभी आप खगोल विज्ञान के विषय में ही चर्चा पूर्ण करें। प्रययावाति थेषु वसन् ऋषि कुलेषु सह दक्षिणां दिशमिक्षेषु वार्षिकेष्वेक भास्करः। यह कौन सा श्लोक है? रघुवंशम 12वां सर्ग 25वां श्लोक। इसमें राम उसी तरह दक्षिण की ओर जाते दिखाई देते हैं जैसे सूर्य दक्षिण की ओर जाता है। नहीं, इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जैसे वर्ष के 10 नक्षत्रों में ठहरता हुआ सूर्य दक्षिण दिशा की ओर घूमता दिखाई देता है, वैसे ही ऋषियों के आश्रम में रुकते हुए श्री राम दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते दिखाई देते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है? ज्ञान विप्र ज्ञान। यहाँ ये कहना तो सरल था कि श्री राम दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं, परंतु महाकवि कालिदास जो उपमा देते हैं उसी से उनके ज्ञान का विस्तार दिखता है। जैसे यहाँ खगोल विज्ञान से उपमा दी है, इस प्रकार की उपमाओं से वे कवि के साथ साथ महाविज्ञानी भी हो जाते हैं। श्यामा देवी, परंतु आपने अभी जिस श्लोक की चर्चा की उसमें केवल खगोल विज्ञान का ही उल्लेख समझ आता है। हाँ, यहाँ मनोविज्ञान का प्रस्तुतिकरण स्पष्ट नहीं है। अब कहिए, अब तो जिज्ञासुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मैं कहूंगा, क्योंकि मेरी रचनाओं के प्रश्नों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूं। प्रणाम कविवर। उचित है, आपकी एक रचना लीजिए और स्पष्ट कीजिए कि वहां मनोविज्ञान के साथ दूसरा ज्ञान भी उपस्थित है। मेरा नाट्य अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें एक साथ चंद्रमा के उदय होने और सूर्य के अस्त होना, संसार की एक साथ होने वाली वृद्धि और दीनता का द्योतक है। अंक 4 दूसरा श्लोक। यहाँ सूर्य और चंद्रमा के उदय और अस्त होने को संसार की समृद्धि और दीनता से जोड़ा गया है। मनुष्य के सामने कर्तव्य परायणता का यदि कोई सूचक है तो वो सूर्य है, क्योंकि वो हमें प्रकाश देने के कार्य से कभी विमुख नहीं होता। अंक 5 चौथा श्लोक। कर्तव्य परायणता के उदाहरण के लिए सूर्य से उत्तम उदाहरण संभव ही नहीं। राजा का दुविधाओं से भरा मन ऐसा होता है जैसे किसी चट्टान से टकराकर दो धाराओं में विभाजित होकर वेग से बहती नदी। यहाँ कविवर ने दुराहे पर खड़े मानव मन की दुविधा की तुलना नदी की दो धाराओं से की है। अद्भुत, देवी सत्य कह रही है महाकवि। संसार जितना आपके रचना संसार को समझेगा उतना ही जानेगा कि आप एक कवि के रूप में कितने महाज्ञानी और विज्ञानी हैं। हमने जो संदेह किया वो हमारा अज्ञान था, हमें क्षमा करें कवि श्रेष्ठ। नहीं पुत्र, मुझे ज्ञानी होने की चाह नहीं है, मैं तो केवल अभिव्यक्ति में विश्वास करता हूं। मैंने जो देखा, जो अनुभव किया और जिसकी मैं आशा करता हूं, मैंने वही कहा है। अब संसार के आगे प्रश्न है कि वो इसे कैसे लेता है। प्रणाम मुनिवर, मुनिवर मेरी सहायता करिए, मेरी सहायता करिए। ये मेरा पुत्र है, इसने आत्मदाह का प्रयास किया है। विप्र, इसका मार्ग प्रशस्त करिए। नहीं देवी, अब ज्ञानी नहीं, एक कवि संसार को राह दिखाने का प्रयास करेगा। क्यों देवी, अवश्य महाकवि कालिदास कोई ऐसा संदेश देंगे इस दुखियारी माता और इसके पुत्र को मार्ग दिखाए, क्योंकि इन्हें तो हर विज्ञान के साथ मनोविज्ञान का भी ज्ञान है। मरणम प्रकृति ही शरीर नाम विकृति जीवित मुच्यते बुधे क्षणमप्यवर्तिष्ठते शशंजति जंतुर्ननु लाभावानसः। पुत्र, देहधारियों के लिए मृत्यु एक प्रकृति है,
और जीवन एक विकृति है। ऐसे में यदि जीव श्वास लेता हुआ एक क्षण के लिए भी जीवित है तो ये जीवन के लिए लाभ है और इसे सफल बनाने के लिए अर्थ धर्म और काम में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। मैं तो इन सब में धर्म को ही श्रेष्ठ कहता हूं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि राजा प्रजा के हित साधन में लगे, शास्त्र अध्ययन से महत्वशाली विद्वानों की वाणी सर्वत्र पूजित हो और शक्ति संपन्न भगवान शंकर सभी जीवों को पुनर्जन्म से मुक्त करें। प्रवर्तताम् प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुति महति महीयताम् ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्मभूः। महाकवि कालिदास के ये वचन उन्हें एक ऐसा ऋषि वैज्ञानिक सिद्ध करते हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में वेद, उपनिषद और सांख्य जैसे आध्यात्मिक ज्ञान के साथ प्रकृति, पर्यावरण, भूगोल, वास्तु, ज्योतिष, खगोल और मनोविज्ञान को प्रस्तुत किया है। ऐसे ही एक और ऋषि वैज्ञानिक के साथ हम फिर मिलेंगे, लेकिन अपने अगले अंक में। तब तक के लिए जुड़े रहिए भारत विक्रम से और देखते रहिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला का एक नया अंक। नमस्कार। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।